अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबके। वेलकम करती हूँ अपने चैनल डिलीशियस कुकिंग विद समीना 25 पर। आइए देखें, आज हमारे किचन में सेवैयाँ बन रही हैं। ईद स्पेशल में सेवैयाँ बन रही हैं, जिसके लिए मैंने सेवैयाँ ली हैं। ये 1 पाव सेवैयाँ हैं, ये 1.5 पाव चीनी है। हमारे यहाँ चीनी बहुत ही बारीक होती है, तो ये 1.5 पाव सेवैयाँ चीनी ली है मैंने। ये थोड़ा सा मैंने खोया लिया है, खोया मैंने कोई ऐसा, मैं इसको नापा नहीं, मेजर नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा खोया लिया। ये तकरीबन आधा पाव ही होगा। ये पिस्ता बादाम है, जिसे मैं थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लूँगी। ये वाले पिस्ता बादाम गार्निशिंग के लिए हैं। ये मैंने 3 इलायचियाँ ली हैं, छोटी इलायचियाँ हरी वाली। ये मैं घी में बनाऊँगी सेवैयाँ, इसलिए घी लिया है मैंने। ये दूध है जो इसमें जाएगा, ये तकरीबन जो है ये आधा किलो के करीब होगा। तो इसमें मैं सारा नहीं डालूंगी, लेकिन ये कि मैं इसे नाप लूंगी कितना डालना है। ये केवड़ा है और ये मैंने ली है, इसमें मैंने इलायची पीस के रखी हुई है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं शीरा तैयार कर लूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, बस चीनी गीली हो जाए। इसका हम शीरा तैयार करेंगे। इसमें मैं जर्दे का रंग डाल दूंगी। अब अपने से बर्नर पे चढ़ा देंगे। शीरा हमारा पक गया है, थोड़ा सा इसमें और आ जाए, बॉईल आ जाए, चाशनी या शीरा जो भी आप इसे कह लें, ये पक गया है। तब मैं इसका बर्नर ऑफ कर देती हूँ। व्यूअर्स, इस पतीली में मैं सेवैयाँ पकाऊंगी। बर्नर ऑन कर लेती हूँ ताकि पतीली थोड़ी गर्म हो जाए। देखती तो व्यूअर्स, इस पतीली में मैं सेवैयाँ पकाऊंगी। थोड़ी ये गरम हो गई है, तो अब मैं इसमें डालूंगी घी। ये देखें, ये घी जाएगा, सारा नहीं जाएगा। अब इसमें मैं पिस्ता बादाम डाल के थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लूंगी। तो ये हमारे पिस्ता बादाम फ्राई हो गए, मैं इसको निकाल लूंगी। हमारी सेवैयाँ बहुत थोड़ी हैं, इसलिए ये भी थोड़े थोड़े हैं। तो ये मैंने मेवे निकाल, पिस्ता बादाम निकाल लिए हैं। अब मैं ये इलायची बनाऊँ, थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी। और ये है सेवैयाँ, सेवैयाँ डाल के मैं भून लूँगी इसको। इसको हम स्लो हीट पे भूनेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सेवैयाँ अच्छी तरह भून गई हैं, अब इसमें मैं ये चाशनी डाल दूँगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे से हटा दूंगी। अब इसमें ये दूध डाल दूंगी। दूध डालने के बाद बहुत जेंटली चमचा चलाते हैं, इसमें हिलाते हैं बहुत जेंटली, वरना ये के दूध जो है थोड़ा सा मतलब कलर ख़राब कर देता है। और मैं इसमें ये 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची डाल रही हूँ। दूध थोड़ा और डाल देती हूँ, सारे डाल देती हूँ। सेवैयाँ हमारी पकने लगी हैं, अब मैं इसमें केवड़ा डाल दूँगी। ये तकरीबन 1 टीस्पून केवड़ा है। अब जो ये मैंने फ्राई करके निकाले थे, मैं इसे डाल देती हूँ। तो ये बस सेवैयाँ पक गई हैं। अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएंगी, और फिर मैं आपको डिश आउट करके बताऊँगी। ये देखें, सेवैयाँ हमारी सेट हो गई हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो व्यूवर्स, मैंने इस पर खोया डाल दिया डिश आउट करके। अभी थोड़ी देर में और सेट हो जाएंगी। अब इसमें मैं पिस्ता बादाम स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो देखें कैसी लगी आपको सिवैयाँ, ज़रा डिफरेंट स्टाइल की हैं। और मेरे चैनल डिलीशियस कुकिंग विद समीना 25 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको नई तरह की सिवैयाँ कैसी लगी। इसे सिवैयों का जर्दा या सिवैयों का मुजाफिर भी कहते हैं। तो चलें, अब एक और डिश में मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।